नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले इस हॉल में जितने भी लोग आज पहली बार इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए आए हुए हैं, मैं अमित दुबे फाइटर सक्सेस सिस्टम डायमंड क्लब की तरफ से आप सारे लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो आज पहली बार इस ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए आए हुए हैं। क्यों? क्योंकि आपने एक बिजनेस ज्वाइन किया है और आपको पता होगा कि उस बिजनेस में हमें काम कैसे करना है। यह पता करने के लिए शायद आज आप लोग इस ट्रेनिंग में आए हैं। क्योंकि दोस्तों, दुनिया में कोई भी काम हम शुरुआत करते हैं, अगर उस काम को सीखा ना जाए तो शायद उस काम में हम बहुत आगे बढ़ नहीं सकते। हमारे इंडस्ट्री में भी ऐसे ही होता है। लोग अलग अलग जगहों से, अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग तरीके से इस बिजनेस में आ जाते हैं, लेकिन आने के बाद जब तक आपको तरीका ना मिले, आपको बताया ना जाए कि आखिर इस काम को हम लोग कर कैसे सकते हैं, तब तक शायद हमारे और आपके लिए बड़ा काम करना बहुत मुश्किल होगा। दोस्तों, दुनिया में दो चीजें क्लियर होना जरूरी है। सबसे पहला चीज, आपको किसी भी काम को करना कैसे है, और दूसरा, हमें उस काम को क्यों करना है। लेकिन आपसे मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, किसी काम को करना कैसे या किसी काम को क्यों करना? बहुत सही, क्यों करना बहुत जरूरी है। हमारे पास एक वाई होना चाहिए, एक रीजन होना चाहिए कि क्यों मैं इस काम को करूं। क्योंकि आपने ज्वाइन तो किया होगा, हो सकता है किसी के इन्फ्लुएंस में आके आपने ज्वाइन किया होगा, हो सकता है किसी की बातों में आके ज्वाइन किया होगा, या आप में से हो सकता है किसी को प्रोडक्ट की जरूरत हो, लेकिन इस बिजनेस को क्यों करना, जब तक आपके पास एक कॉन्क्रीट क्यों नहीं होगा, जब तक आपका वाई क्लियर नहीं होगा, तब तक आप शायद बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, आज के इस न्यू एसोसिएट ट्रेनिंग ओरिएंटेशन प्रोग्राम में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस इंडस्ट्री में काम क्यों किया जाए और कैसे किया जाए। लेकिन उससे पहले आपको इस टाइप की कोई भी ट्रेनिंग होती है, आपको अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा। ये ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और ट्रेनिंग का हमारे लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। दुनिया कोई में कोई भी इंसान किसी भी काम को सीख के करता है, कोई पैदा लेते किसी काम को नहीं कर पाता। दोस्तों, जब आप इस बिजनेस में आए होंगे, इस ट्रेनिंग में आने से पहले आपने 4-5-10 लोगों से बातें की है, तो मार्केट में इस काम को लेके अलग अलग की अफवाहें हैं। जब आप लोगों से बात करते हैं, कोई आपको बोलता है यार कौन से जोड़ने वाले बिजनेस में जुड़ गया, कोई आपको बोलता है यार फंसने फंसाने का बिजनेस है, कोई आपको बोलता है कि यार ये उलझाने का बिजनेस है। तो जैसे हम मार्केट में जाते हैं, लोग इसके बारे में जानकारी देते हैं और मार्केट में पब्लिक हमें बोल देती है ना मुझे इस काम को नहीं करना, तो 80% लोग ऐसे होते हैं जिनके चेहरे उसी समय डाउन हो जाते हैं और वो लोग अपलाइन को फोन लगाते हैं और बोलते हैं सर ये बिजनेस मेरे से नहीं हो सकता। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हमने ट्रेनिंग नहीं ली थी। तो ये जो ट्रेनिंग है ना, आपको उन लोगों को फेस करने की ताकत देगी। वो पावर कहां से मिलेगा? इस ट्रेनिंग प्रोग्राम से मिलेगा। सेल्स की दुनिया का एक बहुत बड़ा चीज है लोगों की रिजेक्शन। हम भी मार्केट में जाते हैं, लोगों को प्लान दिखाते हैं, तो जो ही लोग ना बोलते हैं 80 लोगों के चेहरे इसलिए गिर जाते हैं क्योंकि उनके पास ना सहने की हिम्मत नहीं है। तो जो हिम्मत है वो कौन देता है? वो ट्रेनिंग प्रोग्राम देता है। कुछ लोग 3-4-5 ना के बाद खत्म हो जाते हैं और 90% लोग ऐसे हैं, 90-95% लोग ऐसे हैं जो 5-6-7 ना के बाद इस बिजनेस को छोड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों, 5-10% लोग ऐसे होते हैं जो हमारे जैसे बिल्कुल बेशरम होते हैं। इनको कोई कितना भी ना बोले, जैसे कोई पब्लिक ना बोलता है ना, तो अपने अंदर खुशी आ जाती है, मुस्कुराहट आ जाती है। तो ये मुस्कुराने की जो ताकत देती है वो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम देता है। तो आप काम कैसे करना, कब करना, वो बात की बात है। सबसे पहले तो आपको ये कसम खाना पड़ेगा कि अगर इस बिजनेस में हमें डेवलप करना है तो लगातार इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड करते रहना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 3-4-5 बार से इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ट्रेनिंग केवल अटेंड करने से कुछ नहीं होता, इसको आप मार्केट में अप्लाई कितने करते हैं वो मायने रखता है। कोई हमसे पूछता है सर कितनी बार ट्रेनिंग अटेंड करूं, तो आपको तब तक ट्रेनिंग अटेंड करना चाहिए जब तक खुद आप वहां से उठ के स्टेज पे लाके लोगों को ट्रेनिंग नहीं देने लगते, तब तक आपको इस ट्रेनिंग को अटेंड करना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी पार्ट है। दोस्तों, दुनिया में किसी भी काम को करने की एक वजह होती है। तो हमारे पास भी
इस काम को करने की एक वजह होनी चाहिए कि आखिर हम बिजनेस में काम क्यों करें। इस दुनिया में पैसे कमाने के दो ही रास्ते हैं, या तो बिजनेस कर लो या तो नौकरी कर लो। मैं आपको कुछ चार्ट के माध्यम से, कुछ ग्राफ के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज नौकरी की सिचुएशन क्या है, जॉब की सिचुएशन क्या है। अब जो स्लाइड में आपकी जॉब रेशियो, नौकरी वाली रेशियो, फोर्थ क्वाड्रेंट या आप लीनियर ग्राफ, नौकरी की क्या क्या ड्रॉबैक होती है, बिजनेस की क्या क्या ड्रॉबैक होती है, यानी हम ना बिजनेस करने लायक है और ना ही हम नौकरी करने लायक है, ऐसे लोगों के लिए एकमात्र ऑप्शन है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। अब ये बिजनेस बेहतरीन क्यों है, यही होता है विजन, बेहतरीन क्यों है। वो एक ग्राफ आप देख रहे होंगे जो स्लाइड में चल रहा है, एक स्लाइड में जो ग्राफ है, जॉब वाले के लीनियर ग्रोथ, अपने बिजनेस की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ये आपको बताना है। उसके बाद कैलकुलेशन आप देखते हो कि अगर हमने एक साल के अंदर 100 लोगों को ज्वाइन कराया और उस 100 में से 95% लोग काम किए नहीं, 5% लोग काम किए, और अगले साल उन 5 लोगों ने अगर 100-100 की टीम बनाई तो टीम कितनी होगी, इनकम कितना, 5 लाख। तीसरे साल उन 5 में से 450 लोग यूजर बन गए, केवल 50 लोगों ने काम किया और उन लोगों ने 100-100 की टीम बनाई तो तीसरे साल टीम कितनी बनेगी, 5000, इनकम कितना, 50 लाख। चौथे साल उन 5000 में से 4500 लोग हमारे यूजर बन गए, 500 लोगों ने काम किया और 500 लोगों ने 100-100 का टीम बनाया, टीम कितनी बनी, 50000, इनकम कितना हुआ, 5 करोड़ दोस्तों। और इतना ही नहीं, अगर पांचवें साल इन 50,000 लोगों के साथ आप मार्केट में उतरते हैं, 45,000 लोग उसमें से यूजर बनते हैं, 95% फेल्योर और केवल 5% सक्सेस रेट भी अगर निकल के आती है, यानी कि 5,000 लोगों में 100-100 की टीम भी अगर जनरेट करते हैं तो 5,000 × 100 यानी लगभग आपके साथ 5 लाख लोग आएंगे और पांचवें साल में जो आपकी इनकम निकल के आती है दोस्तों वो 50 करोड़ रुपए। आप खुद सोच सकते हैं कि एक इंसान अगर 1 लाख रुपए भी महीने की सैलरी लेता है तो पूरे साल के अंदर 12 लाख रुपए कमाएगा, और अगर 30 साल भी नौकरी करता है तो 3 करोड़ 60 लाख रुपए में अच्छे अच्छे की पूरी जिंदगी निकल जाती है। लेकिन यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है 50 करोड़ रुपए कमाने का 5 साल के अंदर। दोस्तों इस बिजनेस को आपको कितना सीरियस लेना चाहिए मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको खुद समझ में आएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इस बिजनेस के लिए आपको कोई बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अलग काम करना है। दोस्तों यहाँ पे कोई बहुत बड़ा काम नहीं होता, हमारे पास 2 चीजें हैं। सबसे पहला चीज कि हम अपना दिमाग लगाए और इस बिजनेस में काम करें। मैं नहीं बोलता कि अपना दिमाग लगा के काम करने से आपके लाइफ में सक्सेस नहीं आएगी, आएगी दोस्तों, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं ली जा सकती है। लेकिन हमारे बहुत सारे अपलाइन, बहुत सारे सीनियरों ने यहाँ पे काम कर करके गलत रास्ते को हटा के एक सही रास्ता बनाया, एक बना बनाया रास्ता हमारे पास दे दिया है। अपने पास 2 ऑप्शन है, या तो अपना रास्ता बना लो, या तो जो हमारे अपलाइनों ने या इस इंडस्ट्री के सक्सेसफुल लोगों ने हिट एंड ट्रायल के द्वारा जो रास्ता बनाया है हम उस रास्ते पे चले। दोस्तों मैं ये नहीं बोलता कि आप अपने बनाए रास्ते पे सक्सेसफुल नहीं होंगे, हो सकते हैं, लेकिन उसकी चांसेस 95% निगेटिव है। लेकिन अगर आप बने बनाए रास्ते पे अगर चलते हैं तो बिजनेस आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। इस बिजनेस में आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, वही काम करना है जो आज से पहले आपके अपलाइन ने किया है, और वो है डुप्लीकेशन का काम। बिजनेस कैसे होता है, डुप्लीकेशन से होता है। मंकी सी मंकी डू, आपने वो कहानी सुनी होगी कि लोग कहावत कहा करते हैं कि एक तालाब के ऊपर पेड़ है, उस पर बंदर बैठा हुआ है, अमरूद लगा हुआ है, हमें अगर अमरूद खाना है तो क्या करेंगे। तो किसी ने बोला कि पत्थर उठा के बंदर को मारेंगे तो बंदर अमरूद तोड़ के फेंकेगा, अमरूद इजीली खाया जा सकता है। यानी बंदर के साथ जैसा करोगे बंदर आपके साथ वैसी करेगा। हमारा बिजनेस भी जस्ट वैसी है, डुप्लीकेशन का बिजनेस है। आपको कुछ भी नहीं दिमाग लगाना, आपको वही काम करना है जो काम आपका अपलाइन आज तक करता आया है, और जो काम आप लोग अपलाइन के माध्यम से करते हैं। बहुत सिंपल सा स्टेप है इस बिजनेस का, अपलाइन से पूछो कैसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे और बीच में कमाओ। अपलाइन से पूछो कैसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे और बीच में कमाओ पैसे। बहुत सिंपल सा रास्ता है। पेशेंस के बारे में बताइए, बता सकते हो। टीचेबिलिटी के बारे में बताइए, आप चाहे तो कोई स्टोरी भी सुना सकते हैं पेशेंस को लेके, आप चाहे तो टीचेबिलिटी पे कोई स्टोरी सुना सकते हैं। हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए, सीखेंगे तभी बड़ा काम होगा, बिना सीखे कुछ भी नहीं हो सकता। एटीट्यूड पे बात कर सकते हैं, हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है।
समझ में आ रहा है? एटीट्यूड पे बात कर सकते हैं, ऑनेस्टी पे बात करना है, कोई डीडी का पैसा ना खा जाए, किसी का फॉर्म का पैसा ना मार ले, ईमानदारी के साथ बिजनेस करना है। क्लियर है? आपको PATH चारों पार्ट आपको बताना है, पाथ। पाथ के बाद बिजनेस में 100% काम 100% विश्वास करने से होता है। अगर आप 99% बिलीव करते हैं और 1% भी अगर आपका विश्वास निगेटिव होता है दोस्तों, आपका बिजनेस जीरो हो जाएगा। आप देखिए, हम सारे लोग अनजान अनजान लोगों के ऊपर विश्वास कर लेते हैं। आप ट्रेन पे जाते हैं, कभी आपने चेक नहीं किया कि ड्राइवर कहीं बीवी से झगड़ा करके तो नहीं आया कि हम ट्रेन को उलट देंगे, विश्वास करते हैं चले जाते हैं। यस या नो? होटल में जाते हो, खाना ऑर्डर करते हो, वेटर लाता है और खाना खा के आराम से सो जाते हो। कभी किसी ने नहीं ध्यान दिया कि वेटर का कहीं दुश्मनी तो नहीं, कोई जहर तो नहीं मिला के दे रहा है, कभी चेक करने गए क्या? दोस्तों, जहां जान जा सकती है वहां विश्वास कर लेते हैं, कोई शक नहीं करते। तो इस बिजनेस में आने के बाद आपका 100% विश्वास होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? और इस कदर विश्वास होना चाहिए कि पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हो और सारे लोग बोले कि तू डायमंड नहीं बन सकता, लेकिन एकलौता खड़ा हो कि आपका विश्वास ऐसा होना चाहिए कि आपको बोलना पड़ेगा कि नहीं, कोई बने या ना बने, मैं डायमंड बनूंगा। मार्केट में लोग आपका टांग खींचेंगे, लोग आपको निगेटिव करने की कोशिश करेंगे, लोग बोलेंगे कि तेरे से काम नहीं हो सकता, लोग बोलेंगे कि तू बहुत बड़ा काम नहीं कर सकता, लोग बोलेंगे कि तू गाड़ी नहीं ले सकता। लेकिन आपका विश्वास इतना तगड़ा होना चाहिए कि कंडीशन कितनी भी खराब आ जाए, अगर एक बार डिसीजन बनाया हूं तो आने वाले समय में भी मेरा डायमंडशिप जरूर होगा और मैं डायमंड बनूंगा, यह विश्वास आपको रखना पड़ेगा। कर सकते हो? कर सकते हो? कर सकते हो? तो दोस्तों, देखते हैं कि हमारा काम कैसे होता है। तो हमारा 90% जो काम होता है वो होता है एक्साइटमेंट से। कैसे होता है? अब यहां जोश की बात करना है, एनर्जी। आपको हमेशा एक्साइटेड रहना है, खुश रहो। आज के बाद आपने 70 करोड़ की बिजनेस अपॉर्चुनिटी ज्वाइन की है, तो आपको खुश रखना है। वैसी खुशी होनी चाहिए जैसे दूल्हे की शादी सेट गई हो गई और उसके बाद एक्साइटमेंट होता है, वैसी खुशी होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? नहीं तो कई लोगों की स्टोरी ना उदास चंद जैसी हो जाती है। उदास चंद की स्टोरी सुनी हो ना? उसकी हो गई शादी सेट। एक बढ़िया सा ही आजाद जैसा हट्टा कट्टा तगड़ा लड़का था, तो उसके लाइफ में कुछ भी खुशी आती हमेशा उदास रहता था। कई लोग होते हैं ना ऐसे, इतने भी खुश हो उदास ही मिलेंगे आप। कह रहे यार कहां कुछ हुआ, बोला यार बधाई हो रूबी स्टार, अरे यार कहां कुछ हुआ, डायमंड बने तो सोचे, बोला बधाई हो यार डायमंड बन गए, अरे यार कहां कुछ हुआ है, ब्लैक डायमंड बने तो सोचे। होता है ना? कौन होते ये लोग? हाँ, ये उदास चंद टाइप के लोग होते हैं। तो ऐसी हमारा आजाद जैसा एक लड़का था, आजाद जी तो खैर मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन वो उदास चंद नाम था उसका। इतना उदास रहता था कि लोगों ने उसका नाम रख दिया उदास चंद। तो जब भी कोई बात होती तो रोते रहता था हमेशा किसी बात पे। गाड़ी खरीदा, लोगों ने बोला भाई बधाई हो गाड़ी खरीद लिया, अरे कहां यार पेट्रोल भरवा ले जिंदगी भर तब समझे। होते हैं कई लोग। उसकी शादी सेट हुई, लोग गए बहुत बहुत बधाई हो यार। अब दोस्त यार तो ऐसी होते ही हैं, क्यों ही ना सर, पता चल जाए पीछे पहुंच जाते हैं, उनको तो मौका चाहिए भाई, कहीं से मौका मिले खाने पीने का। दोस्त यार को पता चला कि भाई आजाद की शादी सेट हो गई, लोग खुशी से झूमते हुए गए कि यार आज बढ़िया मुर्गा पकड़ाया है, आज पार्टी लेंगे, बधाई हो यार शादी सेट हो गई। अभी तो सेट न हुई है, सुने नहीं हो बारात भी लौट जाता है, होने दो यार तब मानेंगे कि शादी सेट हो रही है। बोले यार पार्टी दे, बारात तो हो जाने दो तब पार्टी लेना। चलो यार दोस्त ठीक है, बारात में बारात का समय आया, सारे दोस्त फिर बेचारे अपना बढ़िया बढ़िया नया कपड़ा उपड़ा सिलवा के पहुंचे उसके बारात में, डांस वंस कर रहे हैं। बोले यार कुछ नहीं तो पीने पाने का ही कुछ अरेंजमेंट करा दे भाई, बारात है तुम्हारा। बोले यार बारात है शादी तो हो जाने दो, नहीं तो फिल्म देखे नहीं हो, बारात पहुंचा और पीछे से गायब दुल्हन, हो जाएगा तब हम करेंगे। चलो भैया बहुत बढ़िया शादी हो गई। बोले अब
अब तो यार दुल्हन लेके जा रहा है। बोले यार अभी तो शादी हुई है, सुहाग रात हो तो जाने दो। चल भाई वो भी हो गया। बोले अब, बोले यार प्रोडक्ट चेक तो हो जाने दो, बच्चा हो जाए तब मैं पार्टी दूंगा। समझ में आ रहा है? बच्चा हो गया, सारे दोस्त फिर पहुंचे, भाई अब तो पार्टी दे दे। बोले यार अभी तो एक हुआ है, पता नहीं नकारा निकले या बेकार निकलेगा, बड़ा तो हो जाने दो। ऐसे लोगों की जिंदगी में कभी एक्साइटमेंट नहीं होती है, चाहे इनके लाइफ में कुछ भी हो जाए। तो हमें उदास चंद नहीं बनना है। आपके पास ऐसी एक्साइटमेंट होनी चाहिए दोस्तों। आप खुद सोचिए, इमेजिन करके देखिए कि अगर आपके लाइफ में 70 करोड़ रुपए की लॉटरी की टिकट आ गई, क्या क्या करोगे? क्या क्या करोगे सर? अच्छा यही खरीद लोगे? ये 70 करोड़ में नहीं मिलेगी। बहुत कुछ करते हैं, ये होता है एक्साइटमेंट। उस एक्साइटमेंट के आपको इस बिजनेस में लाने पड़ेगा।